नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एल एन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ई। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एल एन एक्स का। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 और 0 पर पास करता है, और यदि हम एक्स इक्वल टू ई ले लें तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। यह है ग्राफ एल एन ऑफ एक्स का। यदि हम ई के नेबरहुड में देखें तो फंक्शन डिफाइंड है। यदि एक्स लेफ्ट से अप्रोच करेगा ई की तरफ, उस केस में एल एन ऑफ एक्स अपने नेबरहुड में फ्रैक्शन ही है, क्योंकि ये लेस देन 1 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एल एन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ई फ्रॉम लेफ्ट। चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एल एन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन ही है, लेस देन 1 आ रहा है, तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ एल एन एक्स एन एक्स अप्रोचेज ई फ्रॉम लेफ्ट। और इस केस में आप देख रहे हैं लिमिटिंग केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एल एन एक्स एन एक्स अप्रोचेज ई फ्रॉम राइट। यदि एक्स राइट से अप्रोच करेगा ई की तरफ, तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 प्लस रहेगी हमेशा। यदि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता करनी है एल एन एक्स की, तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स माइनस 1, तभी ये फ्रैक्शन होगा, यानी एल एन एक्स की वैल्यू एल एन एक्स माइनस 1 हो जाएगी। अब हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन एक्स अप्रोचेज ई फ्रॉम राइट। सिंपली वैल्यू पुट करते हैं अभी, तो यहाँ पर यदि ई पुट करते हैं तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है ही, यानी ये 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखा था, ये आ रहा है 1, राइट हैंड लिमिट आ रही है 0, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।